चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिलासपुर आज दौरा है। रतनपुर के मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:45 पर वापस रायपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति राजभवन में विशेष संरक्षित जनजाति के लोगों से मुलाकात भी होनी है और शाम 6 दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल की तस्वीरें हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान में कार्यक्रम में शिरकत भी किया था महामहिम ने। अब बिलासपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मां महामाया मंदिर आज पहुंचेंगी रतनपुर में और वहां पर माता के दर्शन भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ संदीप करियार, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से बात करें, कल का भी कार्यक्रम हमने देखा था, महामहिम जब पहुंची थी रायपुर में, अब बिलासपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह के कार्यक्रम वहां किए गए हैं? सबसे पहले कल जिस तरह से जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और आज बिलासपुर में मां महामाया के दरबार पर भी पहुंचेंगी। देखने से होता है पूरे छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए गौरव का दिन है कि राष्ट्रीय देश की गणराज्य की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ। दूसरा दिन है और आज की जो शुरुआत है बिलासपुर से होने जा रही है, वो लगभग 10 करीब बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे। उनके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी शामिल होंगे। उसके बाद सीधे तौर पर सड़क मार्ग से होते हुए मां महामाया देवी के दरबार में वो पहुंच करके अपनी हाजिरी लगाएंगे और वहां पर दर्शन करने के बाद विशेष पूजा अर्चना है वहां पे की जाएगी। लगभग 45 मिनट का जो कार्यक्रम है रतनपुर के महामाया मंदिर में आयोजित किया गया और जो सड़क जो आप मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नेशनल हाईवे सड़क को भी ब्लॉक किया जाएगा लगभग 4 के लिए आसपास के लिए। बिलासपुर से रतनपुर और कोरबा तक के लिए जो सड़क है, जो इस रूट से राष्ट्रपति महोदया का गुजरना होगा, इस रूट को बंद किया गया है और चारों तरफ पे लगभग प्रदेश भर के लगभग 1200 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 22 IPS अफसर लगाए गए हैं, 2 IG रंग के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद में जो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जिसमें 112 जो विद्यार्थी हैं उनको और उनके साथ उनके जो अभिभावक हैं उनके प्रवेश इस दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इनमें 84 जो है विद्यार्थी होंगे जिनको अलग अलग संकायों में जो उपाधि है वो दी जाएगी, जो मेडल है वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो 28 जो शोधार्थी हैं उन्हें उपाधि जो है यहाँ से राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा सौंपा जाएगा। आज के कार्यक्रम को लेकर के काफी उत्साह भी है और ये देश कि चौथे राष्ट्रपति के तौर पे होंगे द्रौपदी मुर्मू, जो बिलासपुर का दौरा हो रहा है। हालांकि ये चौथे के साथ में एक पहली उपाधि इनके साथ भी है कि पहली महिला राष्ट्रपति होंगे जो बिलासपुर पहुंचे। हालांकि सभी के प्रवास का जो वजह रही है बिलासपुर के दीक्षांत समारोह रही, 1985 में जो पहले जो राष्ट्रपति पहुंचे थे ज्ञानी जैल सिंह जी वो पहुंचे थे। उसके बाद सन 2006 में डॉक्टर APJ कलाम जो राष्ट्रपति थे वो पहुंचे थे। उसके बाद में 2020 में रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तब वो पहुंचे। चौथी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज प्रवास हो रहा है, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। पूरा उत्साह है और बिलासपुर में राष्ट्रपति के आगमन से लेकर के काफी गौरवशाली क्षण देखा जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल गौरवशाली क्षण ही रहेगा जब महामहिम वहां पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां, तमाम सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का आज महत्वपूर्ण दौरा और ये कुछ कार्यक्रम है जो संदीप हमें बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी।